अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूज ऑफ एंजाइम्स, के एंजाइम का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है हमारी बॉडी के अलावा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ा देते हैं या स्टॉप कर देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। तो और कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से पॉइंट हैं फैक्टर्स के, वो कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे एंजाइम जो है गुड वर्क कर रहा होता है, ठीक है, ऑप्टिमम वर्क कर रहा होता है। इन नेचर ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट द कंडीशन ऑफ देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शन वेयर नेसेसरी और दे मे हैव एंजाइम विच आर एडॉप्ट टू फंक्शन वेल इन एक्सट्रीम कंडीशन वेयर दे लीव, ठीक है। यही बातें लिखी हुई हैं कि एंजाइम्स जो है वो क्या करता है, कोई भी एक्टिविटी करवा रहा होता है या हमारी बॉडी में या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो फंक्शंस हो रहे हैं उसको क्या कर रहा होता है, उसके साथ कोरिलेट कर रहा होता है या मिलकर उसके साथ क्या कर रहा होता है, फंक्शन प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है। अब इस एंजाइम का भी क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिस पे जो है वो एंजाइम या तो सेंसिटिव होता है या गुड वर्क कर रहा होता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देन टेम्परेचर है, फिर पीएच है, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हमें पता है कि जो एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और मैंने बताया था जो जिसके साथ इसको वर्क करना होता है वो कहलाता है रिएक्टेंट, जो है वो कहलाता है सबस्ट्रेट। जिस साइड से उसकी अटैचमेंट होती है वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है, ये एक्टिव साइट कहलाता है, ये एंजाइम है। अब एक एंजाइम है, ठीक है, हेक्साकाइनेज, ये क्या करता है ग्लूकोज के साथ मिलकर, ये ग्लूकोज है जो कि सबस्ट्रेट है, इसके साथ मिलकर क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है, रिएक्शन करवाएगा हमारी बॉडी में। लेकिन अब इसकी भी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, यहाँ पे हमने बात की कंसंट्रेशन की। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितने मकदार में वो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट कितने मकदार में, उसकी क्या क्वांटिटी है। तो इट हैज़ बीन शोन एक्सट्रीमली एक्सपेरिमेंटली दैट इफ द अमाउंट ऑफ द एंजाइम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज देन ग्रेजुअली इंक्रीज द रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज अंटिल इट रीच अ मैक्सिमम आफ्टर विच फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द रिएक्शन रेट। हम इसे ऐसे समझते हैं, ठीक है, हमारे पास 10 एंजाइम है, ठीक है, और हमारे पास 7 सबस्ट्रेट है, 7 सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है टाइम के लिहाज से, ठीक है, ये क्या कर रहा है, और ये है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 5 6 7, नहीं ऐसे नहीं, 7 नहीं है, इसको हम करते हैं 25 है, ठीक है, और ये है 50, एंजाइम हमारे पास 50 है और सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है 25 है। अब क्या होगा कि इस रेट पे, इस टाइम पे क्या होगा कि सबसे पहले 5 या इसको 15 कर लेते हैं, ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे 5 कर देती हूँ मैं, 10 कंसंट्रेशन, 15 20 25 एंड मोर। होगा क्या
कि अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस तरह से समझते हैं, इसमें एंजाइम मौजूद है और सबस्ट्रेट मौजूद है। एंजाइम्स 50 मौजूद है और जबकि क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है 15 है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो क्या होगा कि जिस जिस तरह से हम इसमें ऐड करेंगे सबस्ट्रेट, पहले 5 की कंसंट्रेशन ऐड की सबस्ट्रेट की, तो ये इंक्रीज होना, पहले 0 पे बिल्कुल नो चेंज था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते रहेंगे, 5 किया फिर 10 किया फिर 15 किया, 15 में ये क्या हो जाएगा बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे हमने बढ़ाया ये बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा, या हम इस पॉइंट पे कहेंगे ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम हो जाएगा, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा कि बिल्कुल ये स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो होगा क्या कि जैसे ये एंजाइम, मैंने बताया ना एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं। अब यहाँ पे 15 की कंसंट्रेशन है तो मतलब कि इस जितने 15 एंजाइम होंगे उसके साथ बाइंड हो जाएंगे, अब बाकी के बचे जो उस वो तो बाइंड नहीं हो सकते, तो वो क्या होगा कि उस पॉइंट पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट, द एक्सेस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रिएक्ट। ठीक है, जो एक्सेस होगा वो सबस्ट्रेट ऑलरेडी बाउंड टू द एंजाइम, जितने एंजाइम्स होंगे उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएंगे, लेकिन जब एंजाइम, यहाँ पे इसके अपोजिट लिखा है जिस तरह से मैंने समझाया है, यहाँ पे आप ऐसे कर लें कि 50 सबस्ट्रेट है और 15 जो है हमारे पास एंजाइम है, 15 के साथ सबस्ट्रेट लग जाएंगे, बाकी जो है वो बच गए, वो किसके साथ अटैच होगी, अटैचमेंट होगी, तो उसके बिहाफ क्या होगा कि जो एंजाइम है वो क्या करना, या एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, एंजाइम वर्क करना छोड़ देगा, क्योंकि उसके साथ सबस्ट्रेट ही बाइंड नहीं हो सकते, या एंजाइम की कंसंट्रेशन ही, या एंजाइम की क्वांटिटी ही वहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो एंजाइम जो है, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम के बाद जो है वो स्टॉप हो जाती है, हैज़ रिएक्ट एंड हैज़ बिन सॉरी एंड बिन रिलीज्ड और बिन रिलीज्ड विदाउट रिएक्टिंग। ठीक है, बाकी रिलीज हो जाएंगे विदाउट रिएक्टिंग। उसके बाद है टेम्परेचर, मैंने बताया था कि शुरू में ही बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि टेम्परेचर प्रोटीन जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम या प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, द प्रोटीन नेचर ऑफ द एंजाइम, हमें पता है जो जितने भी एंजाइम हैं वो ऑलमोस्ट किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है कोफैक्टर्स होते हैं, मतलब कि कुछ प्रोटीन होते हैं कुछ नॉन प्रोटीन होते हैं, मेक्स देम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द थर्मल चेंजेस। ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि जैसे ही थर्मल चेंजेस आएगा, जैसे ही टेम्परेचर, अगर मैं बात करती हूँ कि एक एंजाइम है, ठीक है, वो वर्क करता है बहुत अच्छा कौन से टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब क्या होगा कि इस टेम्परेचर पे एंजाइम सही वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, या इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे। एंजाइम एक्टिविटी अकर within a narrow range of the temperature compared to ordinary chemical reaction। अगर हम बाकी chemical reaction की बात करें कि उसमें ज़्यादा temperature required होता है, ठीक है, high temperature पे वो chemical react कर रहे होते हैं, लेकिन enzyme के साथ इसका opposite होता है कि वो बहुत narrow range में, मतलब कि बहुत ही कम range में, बहुत ही कम temperature में वो work करते हैं। Enzyme catalyzed by randomly colliding with substrate molecules increase temperature and increase collision with also increase the rate of reaction। जैसे ही enzyme catalyst जो होते हैं, जब हम temperature increase करते हैं ना, तो हमें पता है कि solid जो होते हैं, जब हम solid को, इसकी जो अगर हम ice cube की बात करें,
ठीक है, हम जब इसको हीट देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट या कॉलिजन होना शुरू हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब एंजाइम को हीट मिल रहा होता है तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करना, कॉलिजन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कोलाइड करना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। मतलब इसके मॉलिक्यूल जो है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया ना, ये लिक्विड सॉलिड से लिक्विड हो गया, तो इसी तरह से जो एंजाइम का एक शेप होना चाहिए। अब एक एंजाइम है इस शेप का, ठीक है, इसके पास है एक सबस्ट्रेट इस शेप का, लेकिन अब ये वर्क कर रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, बिल्कुल ओके। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, अब क्या हुआ कि ये कुछ इस शेप का हो गया। अब ये इसके साथ सब्सट्रेट फिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर हो गया। और इंक्रीज होने पे, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, इसके डीनेचर हो जाएंगे। इस तरह से एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। दिस चेंजेस डिक्रीजेस द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन और इट मे सीज्ड कम्प्लीटली, या बिल्कुल कम्प्लीटली क्या कर देता है, वो रोक देता है या डिक्रीज कर देता है। इन समरी, एज टेम्परेचर इंक्रीज इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। अगर हम समराइज करें तो ये होगा कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्टार्ट में ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो वो क्या होगा कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। जब शेप चेंज होगा तो इस तरह से जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएंगे। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खुद बहुत स्टॉप हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिगिन टू डिक्रीज एज शोन इन गिवन डायग्राम। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इससे हम समझते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, ये वो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा रिएक्शन कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे देखें इंक्रीज होता गया, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ये क्या हुआ, डीनेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, कम्प्लीटली स्टॉप हो गई जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया गया। तो ये तमाम चीज़ें थी टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीएच पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।